एक नॉर्मल इंसान अपने घर में चैन से सोता है, बट वॉट इफ द नेक्स्ट डे यू वोक अप एंड सॉ दिस एंड देन यू रियलाइज यू आर ऑन वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट बेड टू स्लीप ऑन. गुड मॉर्निंग, पर यहाँ कैसे पहुंचे? थोड़ा रिवाइंड करो. August 20, 2005 was when this boy was born. और कुछ सालों बाद this is him. Life में कुछ चीजें जो कि हम सिर्फ imagine कर पाते हैं, जैसे कि sleeping on one of the most tallest bed, almost 1,000 feet up in the sky, या फिर Indian Idol जैसे किसी reality show में एक audition देना. But क्यों ना दोनों को reality में convert करें. नाम क्या है? मैं हूँ 16 साल का सार्थक सचदेव, एक आम स्कूल जाने वाला बच्चा. बचपन से ही मैं गरीबी में बला पड़ा हूँ. हमारे घर में पानी की बहुत ज्यादा कमी, हमारे घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, हमारे घर में खाने की बहुत ज्यादा कमी है. मेरी कहानी काफी है या मुझे गाना भी गाना पड़ेगा? मैं चाहती हूँ कि मुंबई आए. मेरी तरफ से भी हाँ है. आई वुड वांट टू कॉल यू टू मुंबई. सो यू आर कमिंग टू मुंबई. ये एक बहुत ही बुरा सपना था, अंटिल आई रियलाइज्ड कि मुझे असलियत में मेल आ चुका था फ्रॉम इंडियन आइडल कि आप मुंबई आ सकते हो. और फिर क्या, इट वॉज टाइम टू गो टू मुंबई. बट मैकडोनल्ड्स जाना मुझे स्किप करना पड़ा, बिकॉज लाइफ ऑलवेज टेक्स मी ऑन द राइट पाथ और मैकडोनल्ड्स तो लेफ्ट में. बट जोक्स अपार्ट, रोड ट्रिप्स आर वेरी बोरिंग, सो थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं. हाँ भाई अनु मलिक, हियर आई एम इन मुंबई. लाइटिंग बहुत ज़्यादा डिम है, एक मिनट. Dear Sarthak, greetings of the day. Wishing you many, many happy returns of the day. Happy birthday, Team Saint Regis. But most importantly, wow. Cutting cake on the 31st floor, watching the City of Dreams. The bright side of Mumbai, the dark side of Mumbai. पर इससे मुझे याद आया. मैं कुछ तो भूल रहा था. इतना दूर आने के बाद, इतना टॉप पे खड़े होने के बाद, आई फेल लाइक अ किंग, बट समथिंग वॉज मिसिंग. ऑलमोस्ट 2 घंटे के प्रेशर और सोचने के बाद आई फाइनली फिगर्ड इट आउट, अपनी परंपरा को मैं कैसे भूल गया. टाइम बहुत जल्दी निकलते जा रहा था, स्पेशली व्हेन इट्स मुंबई, और मैं इसे रियलाइज करने में थोड़ा लेट हो गया. सो देन आई डिसाइडेड टू रश. टॉम एंड जेरी वाला थोड़ा सा नाटक करने के बाद अपने फ्लिप फ्लॉप्स पहन के मैं निकल गया टू एक्सप्लोर द नाइट लाइफ ऑफ मुंबई. कोरोना वायरस की वजह से चाइनीज की जगह आई डिसाइडेड टू ईट जापानीज, और अपने 16 साल के करियर में पहली बार मैं खाने वाला था द वर्ल्ड फेमस सुशी. बट चॉपस्टिक के साथ फेल होने के बाद मैंने एक बहुत ही बड़ा लॉ ब्रेक कर दिया, ईटिंग सुशी विद अ फोर्क. This face was completely unexpected. But later that night was the best part, watching the city from the top like a king. Okay, finally back. पर एक बहुत ही ज़्यादा famous quote है. Once you live in Mumbai, there is no other city that is good enough. And I completely agree with it, because Pune से compare करें, time कब निकलता है मुंबई में पता ही नहीं चलता. Like अभी it's 12:30 AM और yeah, the birthday is officially over. But there is one best part. One minute. At that point, it was the most unreal moment of my life. Like literally, almost 40th floor pe baith ke, I was eating my birthday cake, watching the skyline of the city that literally never sleeps. It was a great day, but ऐसे रातों के बाद there's an even better morning.
बट सुबह मेरे पास था सबसे बड़ा टास्क, होटल ब्रेकफास्ट बुफे को लूटना। बड़ों से मुंबई में मेरा एक दोस्त रहता है नेम्ड मुकेश, एवरीवन मस्ट बी नोइंग हिम। नहीं नहीं ये वाला नहीं, इनफैक्ट वो मुंबई में रहते हैं, ऑलमोस्ट 2 मिनट दूरी यहाँ से, राइट ओवर देयर। तो आज उनसे भी मिलने का मेरा प्लान है, बट उससे पहले प्लान है टू गो फॉर स्विमिंग, लेट्स गो। अरेबियन सी थोड़ा ज्यादा ही डीप था तो सोचा स्विमिंग पूल वुड बी अ बेटर ऑप्शन। और फिर मैंने ट्राई किया वो वायरल डेड बॉडी प्रैंक ऑन द होटल स्टाफ। ओ शिट भाई, ये तो सच में लग रहा है कोई तो रूम में। और फिर मैंने फॉलो किया द मिलियनेयर मॉर्निंग रूटीन। ताजा खबर, इंडियन आइडल की फ्रॉड ईमेल भेजी जा रही है स्कैमर्स द्वारा, जानकार रहिए, सतर्क रहिए।